ये जो हसन गधा है ना, ये गधों के पास है क्या? ये गैसों के पास है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सैयद शाह सवार काजमी, आपका अपना सैयद शाह सवार काजमी। और अभी मैं जा रहा हूँ पेशावर, तो मैंने सोचा यार व्लॉग बना लूँ। तो अब जाहिर है आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो मुझे डेली व्लॉगिंग तो करनी पड़ेगी। तो अभी मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ मैं और हसन पेशावर के लिए। तो खुशबू मैंने लगा ली है, खुशबू लगा के पेशावर जाना चाहिए। बचपन से सुनते आ रहे हैं आओ ना माना खुशबू लगा के पेशावर। तो अब हम लोग जो है ना पेशावर जा रहे हैं खुशबू लगा के। तो बस अभी निकलते हैं और ये हसन है, ये ड्राइव कर रहा है। हम पेशावर जा इस वजह से रहे हैं कि हम लोगों ने लेनी है अपने हॉर्स की सैडल्स, तकरीबन दो लेनी है। तो अगर अच्छी लगी तो तीन भी ले लेंगे। तो सैडल्स कहते हैं जीन को उर्दू में, और ये जो इंसान जिस टाइम घोड़े के ऊपर बैठता है ना, तो वो एक जीन होती है, सीट नुमा बनी हुई, उस पर हम लोग बैठते हैं, सवार बैठते हैं, जितने भी सवार होते हैं वो बैठते हैं उसके ऊपर। तो मतलब शाह सवार मैं हूँ, मैं भी बैठता हूँ, लेकिन मैं ऑल ओवर द सवार बात कर रहा हूँ कि जितने भी सवार होते हैं जस्ट लाइक हॉर्स पे बैठने वाले, उनको सवार कहते हैं हम लोग। और मेरा नाम शाह सवार है, तो आज मैं आपको शाह सवार का मतलब भी बताता हूँ। शाह सवार का मतलब है हॉर्स राइडर, शाह मतलब लीड करने वाला होता है। जस्ट लाइक इसका जो बेसिकली गूगल पे अगर आप लोग करें तो इसका मतलब निकलता है द रॉयल हॉर्स राइडर। ये इसका जो है मतलब शाही घुड़सवार, ये इसका मतलब है। तो बस अब हम लोग चल रहे हैं पेशावर। तो ये लगे हुए हैं सर ड्राइव कर रहे हैं। अभी तो हम लोग हरिपुर से भी नहीं निकले, तो अभी हम लोग वाटरवे से जाएंगे। आई थिंक दो या ढाई घंटों में हम लोग पेशावर यहाँ से पहुँच जाएंगे। के पी के में हैं हम लोग हरिपुर में। तो आफ्टर दिस इंशाल्लाह पेशावर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। साथ वो आए, आसिफ भी आए और साथ इसके एक और दोस्त है हमान, वो भी आए। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको उनको भी दिखाता हूँ, फिर वहाँ पे पहुँच के हम लोग उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। आज पता चलेगा पठानों के साथ बार्गेनिंग करनी कैसी। ये अभी गया हसन एटीएम पे और एटीएम बंद था, तो अब बैठे रहो बेटा। तो अब ये है कि देखते हैं कोई और एटीएम अगर ओपन होता है, फिर इसने कुछ पेमेंट निकलवानी। और बस अभी हम लोग उठाते हैं अमाद को रास्ते से, उठाना मतलब उसको पिक करना, मतलब दूसरी तरह नहीं उठाना, हम लड़के नहीं उठाते यार। अब लोग हम लोग जो है ना फ्यूल करवा रहे हैं गाड़ी में, तो हमाद भी आ गए हैं। हमाद ज़रा सामने हो ना, ये हमाद भी आ गए, हसन का दोस्त है, इसका क्लासमेट था, और ये भी हमारे साथ अब पेशावर जा रहा है। ये हसन है और ये कह रहे हैं मेरे पे ना लाओ, मैं काला आ रहा हूँ, आ जाओ घर व्लॉग में। खैर अल्लाह पाक ने आपको ही बस आप समझते हैं प्यारा बनाया, अल्लाह पाक ने नहीं आपको प्यारा बनाया, हमें तो बनाया ही बनाया। तो ये जेलस हो रहा है मुझसे यार, भाई मेरा हसन ये कितने है, 7000 पेट्रोल डलवा के 20000 रिकॉर्ड करवा रहे। वाह यार बस आ रहे हैं तुम्हारी तरफ, वेट करो दो मिनट रुको, बस आ गए, घर नहीं जाना तुम्हें, घर से नहीं उठा सकते हम, बस आ गए। बंद कर रहे सब, बंद कर। झूठे किधर हो यार तुम, तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर खड़े हुए और तुमने बोला कि आओ, और हो नहीं तुम यहाँ पे, किधर हो तुम, वेट कर रहे हैं तुम्हारा भाई, आ जाओ जल्दी। झूठे इंसान कह रहे हो रोड पे खड़ा हूँ, आ जाओ वेट कर। बेबी ये अपने छोटे बेटे की एनकी क्यू पहन के आ गई हो, अगर मैंने तुम्हारी वीडियो लगा ली तो तुम क्या करोगे? कर सकते हो, बैन कर सकते हो, तुम्हारी इतनी मत है, तुम कर सकते हो। आसिफ इंसान के बच्चों की तरह गाड़ी चलानी है, चाहे वाल के बच्चों की तरह नहीं चलानी है कि कभी। ये अभी हम लोग पहुंचने लगे हैं पेशावर ही, थोड़ा सा रास्ता रह गया पेशावर का, तो बस थोड़ी देर रुके हैं। ये आई थिंक इन्होंने कुछ जाना था तो ये रुके हुए वहाँ पे, तो मैं बैठा हूँ अंदर, मुझे तो नहीं हो रहा था ना इस तरह कुछ भी। तो बस अब पहुँच के और ये मुझे दिया है गिफ्ट, कह रहा है तुम्हारे जैसा लगता है, मेरे जैसा लगता है कहीं से, आई डोंट थिंक सो, मेरे जैसा लगता है ये मुझे गिफ्ट किया आसिफ ने बोला। पेशावर आ गए, यहाँ कोई नहीं खड़ी यार।
यार हम लोग इधर पहुंच तो आए हैं पर यहाँ पे सारे गधे बांधे हुए हैं यार, देख लो सारे। ये कितना क्यूट है ना, ये मैंने अब्बास के लिए जो है ना पसंद किया, इसका रेट पूछता हूँ मैं अब्बास के लिए। डंकी फाइनली सैडल की दुकान मिल चुकी है यहाँ पे, तो अभी इसको मैंने बोला यार ओपन करो चेक करते हैं, जो पसंद आती है दो तीन लेते हैं फिर। इसके अंदर इसका साथ सीना बंद कहता है कितने ने लगती है सही माल की हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, स्पॉट वगैरह ले लिए तो बस सब कुछ खाते पीते हैं देन भी। एक तो यहाँ से किसी से रास्ता पूछो आगे से पश्तो बोलने लग जाता है जैसे मैं पठान हूँ। क्यों पठान लगता हूँ यार मैं, ये तो मैं पठान लगता हूँ यार सारे मेरे से पश्तो क्यों बोल रहे हैं। पठान ही लगते हैं ना, आपकी ब्यूटी जो है ना आपको लोग जो है ना आपसे मुतासर हो के आपको देखते हैं, कहते हैं कि वाकई आप ब्यूटी हैं, पश्तून लगते हैं आप। पश्तून लगता हूँ मैं वाकई में जी, मैं कितने परसेंट पश्तून लगता हूँ? आप टोटली पश्तून लगते हैं। वैसे ना मेरा और स्काई कलर भी सेम है, देखो आई अपनी दिखाओ। ये जो है ना बताओ हसनी कौम है, कितनी अच्छी कौम है। ये जो है ना इन्वेंट इस तरह हुए हैं कि इजाद इन्वेंट, ये गलत लफ्ज है हमारी, क्यों तुम तो लोग कर रहे हो। हाँ ये मैं तो पठान हो ही नहीं ना। हाँ हाँ बोलो फिर, मैं तो तेरी बात है पठान। अच्छा ये तुम क्या बोल रहे थे, हजरत सुल्मान इस्लाम की कौम में से? ये अभी मुझे खुद बुला हुआ है तो मैं ऐसी क्या अपने उस मखसूस जगह पे जो है ना लाते नहीं बनवाना चाहता लोगों से। यार कुछ नहीं कहते लोग यार, सारे मुझे जानते हैं, तो मुझे बताओ ये हजरत सुल्मान इस्लाम की कौम में से थे? मेरा मैं यूट्यूब गाके ना रात, क्योंकि उनके जो जिन उनके जो मुरीद थे ना वो जिन थे, ठीक है। तो तुम अभी ये कह रहे थे कि पश्तो जुबान जो है वो जिनों की जुबान है। मेरा जी इनके कोई बैठे थे सुने, उनका नाम मुझे नहीं आता। नहीं ये हमें पका पता नहीं है, माजरत के साथ हमें पता नहीं है पका, लेकिन कमी पेशी माफ। लेकिन ये है कि ये किससे किसी से सुना है तो मैंने भी ये सुना था। चुप ना, ये व्लॉग मेरा है, बुरे लग रहे तो खैर कोई बात नहीं। यार ये बंदा है इसका नाम है मीना खान। यार मीना वैसे लड़कियों का नाम नहीं होता क्यों आसिफ? ये धोमथरी वाला भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है पेशावर में। ये गाड़ी हम लोगों ने लगा दी है कार वॉश पे क्योंकि वन वे है सारा टोटली, तो अब हम लोग चाह रहे हैं कुछ खाने स्ट्रीट फूड पे पेशावर में। ये आगे हम लोग पेशावर की फूड स्ट्रीट के अंदर आके कबाब आई थी यार, ये कोई नई तरह के कबाब। यहाँ के लोग भी यार बड़े माशाल्लाह से हैरत से देखते हैं। वैसे सुना था लाहौर के लोग हैं वो गलत रास्ता बताते हैं, आज पेशावर आए हैं पेशावर के पठान भी गलत रास्ता बता रहे हैं कसम से। ये है पेशावर का सिनेमा मलंग जान। जी गाइस हम अपने शख्सवार भाई को ले आए हैं पेशावर में खुशबू लगा के। यहाँ पे इसको हम रेट लगा रहे हैं, कोई मुनासिब रेट ही नहीं लग रहा ना जिससे हम बेचें इसको, बस जान छुड़ाएं। ये मजाक बना हुआ व्लॉगिंग के चक्करों में, तो उम्मीद है शाम तक आओ। फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, खाते हैं पेशावर का, ये मेरे भाइयों का फेवरेट फूड है। मैंने बोला चलो आई विल ट्राई नाउ, मैंने नहीं खाया इतना हैवी कभी। फिर आप किधर आए हो? खाना खाए। अच्छा ये पुलाव ऊपर है या साथ वाला ऊपर है? पता नहीं अभी ऊपर नहीं देखा, अभी खाएंगे तो पता चलेगा कितना ऊपर। बंदा कितना लोड़ा मतलब यार, ये मनो सलवा हेवन से तो नहीं उठ रहा ये गाने मजे की है यार, ये मजे की है ना, ब्रावो यार। मैं तो पेशावर के खानों का फैन हो गया। लेते हो खाते हो ये वाला? क्या है यार आशीष जी, क्या है ये हलवा है ना? आई थिंक यस हलवा है। चलो ट्राई कर। फूड व्लॉगर नहीं हूँ मैं यार, मैं वैसे टेस्ट कर रहा हूँ। सो
फाइनली हम लोगों ने अपनी सैडल भी ले ली, हमने खाना भी खा लिया, पेशावर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया। एक दिन से एक्सप्लोर नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा एक्सप्लोर करने में, लेकिन जितना एक दिन में हमसे हो सका हमने कर लिया। वो होती है शाम और हम लोगों ने मोटरवे से जाना तो काफ़ी फॉग हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। तो ये ज़रा मैंने उनको बोला मुझे दोबारा भूख लगी, कुछ ले के आओ, तो कुछ लेने गए मैं तीनों ही तो अब मुझे भूख लगी और मैं गाड़ी में बैठा हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अपना सारे ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अब मुझे बताइएगा नेक्स्ट मैं व्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊँ। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा लाजमी, ताकि मैं आपके लिए नए नए व्लॉग्स लाता रहूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक।